किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे हरी मिर्च के औषधीय गुणों के बारे में। हरी मिर्च विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह कफ जन्य तथा वायु रोगों को दूर करती है। हरी मिर्च में विटामिनों तथा खनिज तत्वों की प्रचुरता होती है। हरी मिर्च को बारीक पीसकर सरसों के तेल में पकाएं। यह तेल चर्म रोगों पर लगाने से फायदा होता है। प्रतिदिन भोजन के साथ हरी या लाल मिर्च का सेवन करने से मोटे व्यक्ति को वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। रोजाना हरी मिर्च का सेवन करने से भोजन के प्रति अरुचि दूर होती है। हैजा होने पर हींग 1 ग्राम, कपूर 1 ग्राम के साथ 2 हरी मिर्च पीसकर गोली बबनाकर दिन में 3-4 बार गर्म करके ठंडा किए हुए पानी से देने से लाभ होता है। लाल मिर्च के बीज निकालकर छिलके को बारीक पीसकर कपड़े में छान लें। इसमें शहद मिलाकर 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। रोगी को 2 से 3 घंटे बाद 1 गोली शीतल जल के साथ देने से हैजा में लाभ मिलता है। हरी मिर्च एवं लहसुन से बनी चटनी का सेवन करने से पेशाब खुलकर आने लगता है। कुत्ते के काटने पर काटे हुए स्थान पर सरसों का तेल लगाकर लाल मिर्च पीसकर बांधने से लाभ होता है। कान का दर्द होने पर 7 लाल मिर्च 50 ग्राम घी में मिर्च जलने तक पकाएं। घी ठंडा होने पर छानकर भर लें। इसकी 2-3 बूंद गुनगुना कर कान में डालने से दर्द मिट जाता है। जोड़ों का दर्द हो तो मिर्च को तेल में जलाकर उससे जोड़ों की मालिश करने से लाभ होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।